ये बताओ कि शादी 18 साल की उम्र में हो जानी चाहिए या नहीं? हो जानी चाहिए। क्यों? कोई ना कोई तो होनी चाहिए जिसके साथ हम लोग बात कर सके, टाइम स्पेंड कर सके, घूम फिर सके। तुम क्या सोच रहे थे बे? अच्छा, दिल दुखता है? बहुत दुखता है। दर्द होता है? बहुत होता है। शादी हो जानी चाहिए टीन एज में? हाँ, मैंने अपनी अम्मी को बोला मेरी शादी करवा दो, मैंने जुर्माना लग जाएगा। अम्मी ने तस्वीर दिखाई थी, उन्होंने बोला जुर्माना मैं भरूंगा लेकिन इसको घर में बैठा लिया। ये लड़की वाला लड़का है? हाँ। क्या बिगड़े भाई? देखो, मैं तो हूँ शादी सिंगल, इससे बेहतर है हर किसी पे दिल आया था। मेरा दिल दुखता है, इधर मुझसे भी गए गुजरे लड़की का हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं। ये समस्या है, क्या बोलने का भाई? मैं तो है सिंगल, अगर मेरी कोई शादी कर रहा है। सारे सिंगल हैं, डबल कोई नहीं घूम रहा इधर। शादी हो जानी चाहिए? जी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं यार भाई, शादी करने के तो बहुत फायदे हैं। पहला, चेहरे पे रौनक रहती है, जो घुटने हैं ना अपने वो चुस्त रहते हैं, मतलब बिल्कुल ओके। अगर ना करे बिलफर्ज तो क्या हो सकता है? फिर वही इन भाई भाई साहब जैसे हाल हो सकते हैं। चेहरे का मतलब होता है कि अंदर तकलीफों नाल डील करना होता है। असेंबली में बिल पेश किया गया है अब्दुल रशीद साहब की जानिब से। उन्होंने कहा ये कि 18 साल के लड़के लड़कियां जब हो जाएं, यानी कि बालिग हो जाएं, तो माँ बाप को चाहिए उनकी शादी कर दें। अभी ये बिल तजवीज किया गया है, अमल दरामद होना होना एक अलग चीज है। आप समझती क्या है कि इस बिल को? ठीक समझती? देखिए, गर्ल्स बॉयज के बाद सब कुछ अपना अपना होना चाहिए। गर्ल्स बॉयज उन्होंने कहा कि ये लाजमी कर दें वरना जुर्माना माँ बाप को हो जाएगा, तो ये बात ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। ऐसे कैसा जुर्माना? ठीक ही नहीं है। तुम्हारी शादी हुई होगी 20-25 साल की उम्र में, हम कर ले 18 साल की उम्र में, ये क्या बात है? फिर एक दफा मैं यूनिवर्सिटी में सुबह 8 बजे वाली क्लास लेने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं देखा कि मेरी क्लास के बाहर 2 बच्चे खड़े हैं, तो मैं समझ गया कि भाई मैडम क्लास के अंदर नहीं जाने दे रही, तो मैंने जेल में प्लान बना लिया। मैं क्लास के अंदर जाने लगा तो मैडम कहते कि बेटा किधर, तो मैंने कहा मैडम देखें। जब मैं घर से निकलने लगा तो मेरी मम्मी कहते कि बेटा नाश्ता करके जाना। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो ये कि अपनी माँ का हाथ का बना हुआ नाश्ता कर लेता, दूसरा ये कि उनकी नाफरमानी करता, उनका दिल दुखाता और उनके हाथ का बना हुआ नाश्ता छोड़ के आपकी क्लास लेता। मस्त प्लान है। मैडम कहते कि बेटा कोई बात नहीं, अब फिर भी क्लास से दफ हो जाए। अगले दिन मैं सबसे पहले चला गया तो मैडम भी आ गई, तो मैडम कहती कि लगता है उम्र आज तुम नाश्ता नहीं करेगा। मैं कह नहीं मैडम, वो बस मेरी मम्मी कह रही थी कि जिस माँ के लिए जल्दी जा रही उस माँ से कहना तुम्हें नाश्ता भी करवा। क्या आप जिंदगी के मसाइल से परेशान हैं? क्या मोहल्ले के दोस्त आपको पप्पू पप्पू कहकर पुकारते हैं? क्या आपकी बीवी आपको जूते मारती है? या फिर आप मुस्कुराने की वजह ढूंढ रहे हैं? यार तो हल बताओ ना, क्या करना है? तो हम लाए हैं दरबारी चैनल, जिस पर मौजूद रोस्टिंग की वीडियोस जिन्हें देखकर हंसी के मारे आपकी वखियों में पीड़ हो सकती है। तो सब्सक्राइब करने के लिए ऐसे आए जैसे अंधेरी में शापर आते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे हम आपको दे रहे हैं लाइफ टाइम मुस्कुराने का पैकेज। तो जल्दी करें इससे पहले कि आपकी अम्मी आपसे अपना मोबाइल वापस ले ले। दरबारी, मुस्कुराते रहो। जाना क्यों?
चार क्यों सुनानी है हमने यार क्या बनाया Do you know the capital of Pakistan? Capital of Pakistan. अरे मैं यहाँ हूँ कहाँ जा रही? इधर कराची. Do you guys know the capital of Pakistan? एक मिनट कराची. 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 सब 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 बहुत जोर से लग गया सब. आज यासिर हमारे साथ मौजूद है तो मैं सोच रहा हूँ यासिर अगर हम लोग सिंगिंग कंपटीशन करें आज सही है क्योंकि आप बहुत कमाल के गायक हो आपका गला ऐसा क्लासिकल बोलता है और इतनी सुरीली जगहें आप लगाते हैं थैंक यू आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे कैसा लगा मेरा मजाक हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जनाब कौन बात कर रहे हैं आपका नाम जानना चाहूंगा रिजवान बात कर रहा हूँ जी रिजवान साहब मैं जैन बात कर रहा हूँ हमारे पास एक कंटेस्टेंट बैठे हुए उनका और आपका मुकाबला होगा जो जीतेगा उसको हमारी तरफ से ईदी मिलेगी करना क्या है गाना सुनाना होगा पहले हमारे कंटेस्टेंट जो है वो पहले कंटेस्टेंट वो सुनाएंगे कन्फर्म जन्नती है सच्चा इश्क निभाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे ये वही है ना कि वो जो तोता भी होता है बीच में वो एक लड़का आया हुआ है चमगादड़ की आंखों वाला क्या नाम है यार उसका उल्टी गिनती गिनता है जो सेसम स्ट्रीट में आता था जो And then again, you see, you're living in Pakistan. Yeah. It's a Muslim country. Mm. Although I'm not a Muslim, but it's our culture, you know. I don't like wearing too vulgar or too, you know, showing too much skin. I don't believe in that. आप लोग एक ही चीज़ चाहिए respect. Yeah, but मैं बचपन से even when I started modeling, उस time पे भी कभी-कभार shows होते थे जिसमें mini skirts भी आते थे. I used to refuse. मैंने नहीं पहने. I refuse. उनका आपको लेना है मुझे show में आप ले लें. आपको नहीं लेना आप नहीं लें. But these are my boundaries which I'm not going to cross. Oh यार, यार ये कितनी awesome है. माँ बहन किसी की छेड़ो ना माँ बहन किसी की छेड़ो ना